नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली जो है आईपीएल 2021 का शेड्यूल आ चुका है। 9 अप्रैल से आईपीएल 2021 की शुरुआत होने वाली है, जहां पर दोस्तों पहले मुकाबले में आरसीबी और मुंबई की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। अब दोस्तों हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आरसीबी टीम की इस मुकाबले में प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक और तरह से यानी कि एक और पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आरसीबी टीम की मुंबई के सामने। वहीं दोस्तों कई रिपोर्ट्स ऐसे भी निकल कर आ रही है कि आरसीबी टीम के लिए आईपीएल 2021 में हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल जो है ओपनिंग करते हुए दिखाई दे। तो क्या सच्चाई है इस बात में और क्या रिपोर्ट्स हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी को जगह मिल सकती है, कौन से खिलाड़ी होंगे जो बाहर बैठेंगे और कौन से खिलाड़ी जो है प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं, सारी बातचीत दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं आगे। इसलिए अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स ऐसे ही आप तक हमेशा पहुँचती रहे। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर भाइयों आप सभी को आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहेगी। वहीं दोस्तों यदि आरसीबी टीम से जुड़ी कोई अपडेट नहीं भी आती है तो रोजाना आपको इंपॉर्टेंट क्रिकेट अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी वहाँ पर, इसलिए भाई उसे भी जाकर ज्वाइन कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि मुझे क्रिकेट देखना और खेलना बेहद पसंद है, इसलिए हाल ही में मैंने माई इलेवन सर्कल नाम का ऐप डाउनलोड किया, जो कि आपको भी ज़रूर करना चाहिए। इस ऐप की खास बात यह है कि यहाँ पर आप चैंपियन क्रिकेटर्स जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली जैसे खिलाड़ियों के साथ हेड टू हेड खेल सकते हो। यहाँ पर खेलना बहुत ही आसान है, दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को मिलाकर आपको खुद की एक टीम बनानी है। तो इंग्लैंड और इंडिया के T20 मैचेस जो है माई इलेवन सर्कल पर होने वाले हैं दोस्तों, आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपये तक जीत सकते हो। दोस्तों मेरा भरोसा कीजिए, अगर आपकी टीम ने लक्ष्मण की टीम को बीट कर दिया तो आपको 1 या 2 नहीं बल्कि 5 गुना ज़्यादा कैश मिलेगा। यहाँ आपको 1500 रुपये का वेलकम बोनस भी मिलेगा। वहीं हमारे सभी व्यूअर्स को उनके पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश दिया जाएगा। आपके जीते हुए पैसे सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ और सिक्योर है। वहीं आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में कई लोगों ने करोड़ों रुपये जीते हैं, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, फटाफट जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी टीम बनाओ। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट of financial risk and may be addictive, please play responsibly at your own risk. दोस्तों आईपीएल 2021 का शुरुआत जो है अगले महीने से होने वाला है। पहला मुकाबला 9 अप्रैल को चेन्नई में खेला जाएगा, आमने सामने मुंबई और आरसीबी की टीमें होने वाली हैं। अगर बात करें आरसीबी की तो दोस्तों यहां पर आईपीएल उनके लिए काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार टीम में काफ़ी नए खिलाड़ी जुड़े हैं, जिनमें मैक्सवेल जैसा बड़ा नाम भी शामिल है, जिसे 14 करोड़ से ज़्यादा कीमत देकर आरसीबी टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं काइल जेमिसन को भी आरसीबी टीम ने 15 करोड़ में अपने स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं दोस्तों कुछ नए खिलाड़ी भी आरसीबी टीम के साथ जुड़े हैं, जहां पर मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, इसके अलावा दोस्तों सुरेश प्रभुदेसाई जैसे खिलाड़ी जो आरसीबी टीम में शामिल हुए हैं। दोस्तों आईपीएल लीग के 56 मुकाबलों में से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में 10-10 मैच आयोजित किए जाएंगे, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली 8-8 मैचों की मेजबानी करेंगे। इस बार किसी भी टीम का घरेलू मैदान नहीं होगा, सभी टीम लीग चरण में 6 में से 4 स्थान पर खेलेंगी। इस बार आईपीएल में 11 डबल हेडर्स मुकाबले होंगे, जहां 6 टीमें दोपहर में 3 मैचेस खेलेंगी, 2 टीमें दोपहर में 2-2 मैच खेलेंगी। दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि शाम के मुकाबले जो है 7:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। आईपीएल 2021 का पहला मैच ही काफ़ी रोचक होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भाइयों 9 अप्रैल को विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी टीम और रोहित की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होने वाली है। एक तरफ वो टीम होगी जो सबसे ज़्यादा 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ वो टीम होने वाली जिसने अभी तक खिताब नहीं जीता है, उसका सपना है कि वो आईपीएल 2021 में पहली बार खिताब जीते। तो भाई अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। दोस्तों इससे पहले कि प्लेइंग 11 की बात स्टार्ट करें, हम पहले बात करते हैं मैक्सवेल की। मैक्सवेल को लेकर दोस्तों कई सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, कि कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि मैक्सवेल जो है आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम के लिए ओपन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी टीम के लिए मैक्सवेल जो है ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब आरसीबी टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर अभी तक कुछ आधिकारिक जानकारी नहीं आई, मगर दोस्तों कई रिपोर्ट्स, कई आर्टिकल्स में ऐसा माना जा रहा है कि मैक्सवेल जो है आरसीबी टीम के लिए ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं आईपीएल 2021 में, और इससे जो है उनकी ओपनिंग की समस्या भी हल हो सकती है। मगर भाइयों इसके चांसेस काफ़ी कम है कि मैक्सवेल ओपनिंग करे, क्योंकि दोस्तों आरसीबी टीम के पास ऑलरेडी जो है ओपनर्स मौजूद हैं। वहीं दोस्तों मैक्सवेल जो है ओपनिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए सेंचुरी भी लगा चुके हैं, वो शतक लगा चुके हैं, इसलिए शायद दोस्तों ये माना जा रहा है कि मैक्सवेल जो आरसीबी टीम के लिए ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मगर दोस्तों फिलहाल जो इस बात में सच्चाई नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसमें
वो मात्र एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैक्सवेल ओपन करेंगे या फिर नहीं, जहाँ तक चांसेस है वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हुए दिखाई देंगे। एबीडी और मैक्सवेल जो है मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे, वहीं भाइयों ओपनिंग और टॉप ऑर्डर को जो है विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल, जोशुआ फिलिप और अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ी संभालते हुए नजर आएंगे। तो भाइयों चांसेस काफ़ी कम है कि मैक्सवेल जो आरसीबी टीम के लिए 2021 में ओपनिंग करते हुए दिखाई दें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस के सामने एक और तरह से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, इस प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। तो भाइयों यहाँ पर हमारे हिसाब से इस प्लेइंग 11 में पड्डीकल और अजहरुद्दीन को मौका मिलेगा ओपनिंग करने का। इसके बाद दोस्तों 3 पर खेलेंगे विराट कोहली, 4 पर एबी डिविलियर्स, 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, 6 पर दोस्तों यहाँ पर डेनियल सैम्स को मौका मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों 7 पर काइल जेमिसन या फिर डेन क्रिश्चियन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, 9 पर मोहम्मद सिराज, 10 पर नवदीप सैनी और 11वें नंबर पर चहल खेलते हुए दिखाई देंगे। तो भाइयों ये हो सकती है एक और तरह से हमारे हिसाब से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस के सामने। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसे भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए।